Dear student, assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we will discuss important MCQs of male reproductive system. इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। आज हम इसके इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस यूनिट में बने हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि एन आर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। के ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि वो स्पेशलाइज है ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए और न्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल। मेल में जो टेस्टिस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, कि टेस्टिस हमारे पास स्पर्म भी प्रोड्यूस करती है, मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है द मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमन इज सेक्रेटेड बाय, कि हमारे पास सीमन जो सेक्रेट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वहां उसमें जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन होते हैं तो वो कौन सेक्रेट करते हैं, वो हमारे पास एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, द पेनिस कंटेन यूरेथ्रा विच इज अ पैसेज वे फॉर, ए ऑप्शन इजाकुलेटिंग सीमन, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है एक्सक्रीटिंग यूरिन, सी ऑप्शन बोथ, डी नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ, के जो यूरेथ्रा होता है पेनिस में मेल में वो सीमन को भी इजाकुलेट करता है और यूरिन को भी एक्सक्रीट करता है। अब फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास सेमिनल वेजिकल, बी प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बुलेटरल ग्लैंड, सी पेनिस एंड यूरेथ्रा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी, कि ये तमाम क्या है, ये तमाम एसेसरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिक्स नंबर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस दैट मेंटेन टेस्टिस एट 3 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि हमारे पास वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपके टेस्टिस होते हैं और वो आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री लोअर पे रखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो है स्क्रूटम। स्क्रूटम हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो टेस्टिस को होल्ड करता है और उसका टेम्परेचर क्या होता है, 3 डिग्री लोअर होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। अब सेवन नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, टेस्टिस आर टेस्टिकल पेयर ऑल ग्लैंड डिसेंड इनटू द स्क्रूटम ड्यूरिंग अ एम्प्टी स्पेस फेटल डेवलपमेंट, कि हमारे पास टेस्टिस जो है वो फेटिस की जब डेवलपमेंट होती है तो वो स्क्रूटम में किस मत में आती है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेवंथ मत ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, कि उसमें हमारे पास टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम में डिसेंड हो जाती है, स्क्रूटम में आ जाती है। अब एट नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट लोब्यूल्स, के हमारे पास हर टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 250 to 300, के 250 से लेकर 300 तक हमारे पास हर टेस्टिस में क्या होते, लोब्यूल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास नाइन्थ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 to 300 लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट हैव स्पर्मेटोजेनिक सेल टू फॉर्म, कि हमारे पास हर टेस्टिस में 250 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल में क्या होते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा इससे आपके पास किसी भी टाइप का जो है एमसीक्यूज आ सकता है। 10 नंबर एमसीक्यूज है कि इन द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर अ क्लस्टर्स ऑफ सेल दैट टेक सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कि हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है कहां से, सेल से प्रोड्यूस होते हैं और वो सेल कहां पे होते हैं, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो कौन से सेल है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि लेडन सेल जो है वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सेक्रेट करता है। तो लेडर सेल हमारे पास क्या है, जो कि बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं मेल में। इसके बाद 11th नंबर एमसीक्यूज है कि इन मेल द मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स एंड लिबिडो प्रमोट बाय, कि मेल में जो मेल कैरेक्टर्स है वो और लिबिडो जो डिजायर फॉर सेक्स वो हमारे पास कौन प्रमोट करता है, तो वो प्रमोट होता है हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रमोट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 12th नंबर एमसीक्यूज पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू अ नेटवर्क कॉल रेटी टेस्टिस दैट फॉर्म वास इफरेंसी एंड फाइनली फॉर्म
एपिडिडाइमस कि हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ओपन होते हैं रेटी टेस्टिस में, और वो हमारे पास कितने वास इफ्रेसी बनाते हैं 8 to 15 हमारे पास कितने क्या होते हैं वास इफ्रेसी होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। इसके बाद 13 नंबर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस के हमारे पास कौन से फंक्शन, तो ये तमाम फंक्शन जो है ये हमारे पास एपिडिडाइमस के हैं, लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इसमें कोई भी फंक्शन आपके पास आ सकता है। तो ये तमाम फंक्शन जो है हमारे पास किस चीज के, ये एपिडिडाइमस के है। 12 नंबर एमसीक्यूज है कि अ पोर्शन ऑफ ईच डक्टस डिफरेंसी इज रिमूव्ड एज अ फैमिली प्लानिंग, कि हमारे पास हर डक्टस डिफरेंसी का जो है पोर्शन रिमूव किया जाता है फैमिली प्लानिंग के थ्रू, ताकि आपके पास जो है स्पर्म वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन हमारे पास ड्यूरिंग सेक्स जो है वो ट्रांसमिट ना हो फीमेल वेजाइना में, और ये एक फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी आपके पास में क्या होता है कि डक्टस डिफरेंसी को रिमूव किया जाता है ताकि आपके पास ट्रांसफर ना हो स्पर्म्स। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर है, इसे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। 13 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वन इज ट्रू अबाउट सेमिनल वेजिकल और सेमिनल ग्लैंड, के सेमिनल वेजिकल या सेमिनल ग्लैंड्स के बारे में कौन सा हमारे पास पॉइंट है वो करेक्ट है। तो इसमें ए ऑप्शन अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, बी ऑप्शन वन इज एसोसिएटेड विच ईच डिफरेंसी। तो ये तमाम जितने भी ऑप्शन है ये तमाम करेक्ट है, किसके बारे में, हमारे पास सेमिनल वेजिकल के बारे में। लिहाजा इससे आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यूज आ सकता है, कोई एक पॉइंट जो है उन्होंने लिखा होगा, तो ये आपको याद होने चाहिए कि ये तमाम ए बी सी डी जो है ये हमारे पास किस चीज के, ये सेमिनल वेजिकल के बारे में हमारे पास ट्रू है, ये इसके बारे में है। 14 एमसीक्यूज में आ जाते हैं विच वन ट्रू अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कौन से पॉइंट्स हमारे पास ट्रू है। तो ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास होता है और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा इसके इर्द गिर्द होता है। इसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन थिक मिल्की अल्कलाइन सेक्रीशन अबाउट 30% ऑफ सीमन, सी ऑप्शन फर्दर ग्रो इन साइज आफ्टर 50 जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास 15 एमसीक्यूज, सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ सेक्रीशन ऑफ दी ए ऑप्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, बल्बुलेटरल ग्लैंड, ई ऑप्शन हमारे पास है आल। तो जो हमारे पास सेमिनल फ्लूइड होता है वो कहां से सेक्रीट होते हैं, वो इन तमाम से सेक्रीट होता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट। 16 एमसीक्यूज में आ जाते हैं ईच इजाकुलेशन ऑफ सीमन इज 2.5 to 5 ml विद अ स्पर्म ऑफ, कि हमारे पास मेल में हर इजाकुलेशन कितना होता है 2.5 से लेकर 5 ml तक होता है, और इसमें हमारे पास कितने स्पर्म्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, 50 to 150 million स्पर्म्स पर ml हमारे पास हर इजाकुलेशन में, हर ml में क्या होते स्पर्म होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट। 17 एमसीक्यूज, व्हेन द नंबर ऑफ स्पर्म्स फॉल बिलो द मेल इज लाइकली टू बी इनफर्टाइल, कि हमारे पास जब स्पर्म की तादाद कम पड़ जाती है और मेल जो है वो इनफर्टाइल कंसीडर्ड होता है, तो वो मिकदार क्या है, वो मिकदार हमारे पास है 20 million पर ml, कि अगर हमारे पास हर जो है इजाकुलेशन का ml उसके ml में 20 मिलियन से जब हमारे पास स्पर्म्स कम पड़ जाए तो वो मेल जो है वो इनफर्टाइल कंसीडर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद 18 एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, सीमन इज स्लाइटली अल्कलाइन विद अ पीएच ऑफ, कि हमारे पास सीमन जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है और उसका पीएच कितना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 7.2 से लेकर 7.7 तक। तो ये हमारे पास सीमन का क्या होता है, पीएच होता है। 19 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि ईच डे अबाउट स्पर्म्स कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि हमारे पास मेल में हर दिन कितने स्पर्म्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं और मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 300 मिलियन, कि 300 मिलियन हर दिन मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
20 नंबर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, द स्पर्म्स रिमेन वायबल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर, के हमारे पास कॉपुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कितने टाइम तक स्पर्म्स जो है वो वायबल रहते हैं, कितने टाइम तक वो स्पर्म्स है वो लाइव रहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 12 to 48 hours, के 12 से लेके 48 घंटों तक वो स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वायबल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसके बाद 21 एमसीक्यूज है कि लुटेराइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच अल्टीमेटली स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, कि हमारे पास लुटेराइजिंग हार्मोन वो किस सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट कर ले, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लैडर सेल, के लैडर सेल जो है वो लुटेराइजिंग हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो फिर हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करते हैं। 22 एमसीक्यूज हमारे पास है कि कंजेनेटल डिफेक्ट इन विच यूरिथ्रा ओपन एंड डार्सम ऑफ द पेनस, के हमारे पास वो कंजेनेटल इफेक्ट जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो पेनस के ऊपर साइड से होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ए ऑप्शन इज करेक्ट एपिस्पेरियसिस, के ये हमारे पास कंजेनेटल डिफेक्ट है जिसमें यूरिथ्रल की ओपनिंग क्या है वो एबनॉर्मल ओपनिंग है। 23 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि बर्ड डिफेक्ट इन विच यूरिथ्रा ओपन ऑन वेंट्रल साइड ऑफ पेनस, कि वो बर्ड डिफेक्ट जिसके थ्रू यूरिथ्रा के ओपनिंग पेनस के निचली साइड पे होती है तो वो क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है हाइपोस्पेडियसिस। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इसको याद रख ले कि एपिस्पेडियसिस किसे कहते हैं, हाइपोस्पेडियसिस किसे कहते हैं। 23 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। 24 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है 24 नंबर के अनडिसेंडेड टेस्टिस दैट फाउंड इन 33% ऑफ फुल टर्म्स वाइल 30% इन प्री टर्म एंड इन अनट्रीटेड केसेस रिजल्ट इन स्टेरिलिटी, कि हमारे पास जब बच्चा पैदा होता है तो 3% हमारे पास फुल टर्म या 30% हमारे पास प्री टर्म बेबी में ये चांस होता है कि उनके टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम में डिसेंड नहीं होते, वो स्क्रूटम में नहीं आते और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये स्टेरिलिटी कॉज करता है, तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हमारे पास कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म, और ये एमसीक्यू सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जब आपके पास बाय बर्थ आपके टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम में डिसेंड नहीं होते, इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म, सी ऑप्शन इज करेक्ट हमारे पास। 25 नंबर एमसीक्यूज के फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो उसके फंक्शन क्या है, ए ऑप्शन स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, स्टिमुलेट मसल्स टू इंक्रीज इन मास, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोसिस और लिबिडो सेक्सुअल डिजायर, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ द अबव, तमाम हमारे पास ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है, लिहाजा इसी में कोई भी किसी भी टाइप का आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है। अब 26 नंबर एमसीक्यूज है कि क्वालिटी ऑफ सीमन विच इज यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द इनफर्टिलिटी, देखो जब किसी पर्सन को इनफर्टिलिटी हमने इन्वेस्टिगेट करनी होती है तो उसमें हम सीमन की कौन कौन सी क्वालिटी देखते हैं, तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ये तमाम ऑप्शन आप चीजें जो है हम देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना है, उसका पीएच देखते हैं, लिक्विफिकेशन, उसके स्पर्म काउंट कितने हैं, स्ट्रक्चर स्पर्म्स उसमें क्या है, मोटिलिटी स्पर्म्स की क्या है, पस सेल या उसमें आरबीसी वगैरह तो नहीं आ रही, और उसमें फ्रक्टोज लेवल भी देखते हैं, लिहाजा ये तमाम आपके पास क्या है, ये तमाम चीजें देखी जाती है कि जब इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन होती है किसी मेल के सीमन में, तो ये तमाम क्वालिटी ऑफ सीमन है जो कि चेक की जाती है, लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इसमें कोई किसी भी टाइप का आपके पास एमसीक्यूज जो है वो एग्जामिनर बना सकते हैं। अब 27 नंबर एमसीक्यूज है कि मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिटीज ऑफ सीमन फॉर अफर्टिलिटी, कि जब हमारे पास किसी पर्सन में फर्टिलिटी चेकिंग की होती है, फर्टिलिटी टेस्ट होता है, तो आपके पास वो मिनिमम क्वालिटी जो कि सीमन की रिक्वायर्ड होती है फर्टिलिटी के लिए, तो वो ये तमाम क्वालिटीज है जो आपके पास मिनिमम, कम अज कम ये क्वालिटी आपके पास पूरी होगी तब हमारे पास वो पर्सन क्या होगा, वो फर्टाइल होगा, वो बच्चे पैदा कर सकेगा, लिहाजा इसमें से कोई भी किसी भी पॉइंट से आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ये तमाम
एमसीक्यूज अलहदा अलहदा अगर मैं लिखता तो ये आपके पास टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता, लिहाजा ये तमाम आपके पास मिनिमम क्वालिटीज जो कि सिमर की रिक्वायर्ड होती है फर्टिलिटी के लिए, इसमें से किसी भी टाइप का आपके पास एग्जामिनर एमसीक्यूज लेकर आ सकता है, इसमें कोई भी पॉइंट वो उठा के उससे एक एमसीक्यू जो है वो बना सकता है। लिहाजा आप इस पूरे स्लाइड को अच्छे तरीके से पढ़ ले, ये तमाम हमारे पास करेक्ट है। 28 है एजोस्पर्मिया कि जब आपके पास लैक ऑफ स्पर्म्स, किसी पर्सन में जब स्पर्म्स नहीं बनते तो इस कंडीशन को कहते हैं एजोस्पर्मिया। इसके पास 29 है ओलिगोस्पर्मिया कि जब आपके पास स्पर्म्स की तादाद 20 मिलियन से कम होती है पर एबल तो इसी कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये एमसीक्यूज है आपके पास, ये आप एमसीक्यूज के तौर पर याद रख ले। और हमारे पास 30 एमसीक्यूज है कि एस्पर्मिया लैक ऑफ सीमन रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन इन ब्लैडर, कि हमारे पास या तो आपका कोई सीमन प्रोड्यूस नहीं होता या सेक्रीट नहीं होता, अगर सेक्रीट होता है तो वो ब्लैडर वगैरह में जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एस्पर्मिया। 31 हमारे पास है ओलिगोज़ूस्पर्मिया। ओलिगोज़ूस्पर्मिया कहते हैं कि आपके पास स्पर्म्स की तादाद भी कम होती है और उसका स्ट्रक्चर भी एब्नॉर्मल होता है, एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के साथ होती है। अगर उसकी तादाद प्लस उसका एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो तो इसको कंबाइंड कहते हैं ओलिगोज़ूस्पर्मिया। टेरेटोज़ूस्पर्मिया और टेरेटोस्पर्मिया हमारे पास क्या है कि जब आपके पास एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो स्पर्म्स की तो उसे टेरेटोज़ूस्पर्मिया भी कहते हैं और टेरेटोस्पर्मिया भी कहते हैं सिंपली। और इसके बाद हमारे पास है हेमेटोस्पर्मिया ब्लड इन सीवर के, आपके पास अगर सीवर में ब्लड आता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हेमेटोस्पर्मिया। तो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज थे, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े। और जरूरी नहीं है कि आपके पास इस यूनिट पे आपके पास बाकी भी एमसीक्यूज बढ़ सकते हैं जो कि आप उसको खुद पढ़ लें। लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज को। ओके, थैंक यू।